हेलो गाइज, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल सिटेक फर्नीचर। सो गाइज, जब भी आप मशीन खरीदें, जैसे मान लीजिए लाइक ये भी हमारा कटर मशीन है, ये हमारा कटर मशीन है, कोई भी कंपनी हो, चाहे मान लीजिए ये ग्राइंडर मशीन हो या कोई मशीन हो, ड्रिल मशीन हो एक्सेट्रा, कोई भी मशीन हो, आपको जब भी आप परचेस करें मार्केट से, तो पहले आप अपनी बजट देख लें, हमारी बजट कितनी है, कितना तक का खरीद सकते हैं। दूसरी बात, मशीन ब्रांडेड है कि नहीं है, कोई भी ब्रांड हो एक्स वाई जेड, उसका फीडबैक देख लें कि उसका फीडबैक क्या है। कोई वेबसाइट पर जाइए, उसका फीडबैक चेक कीजिए, चाहे अमेजोन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, या मार्केट में कोई और भी व्यक्ति इसे यूज करता हो मशीन को, वो ख़रीदा हो, तो पहले इसके बारे में जानकारी कर लें, ये मशीन चलता कैसा है, काफ़ी टाइम यूज करने के बाद इसका हमेशा गर्म तो नहीं होता है, ये भी चेक कर लें। साथ में ये भी चेक करें कि इसकी बजट कितनी है। बजट मतलब आपके जितना सोच है कि हमें 2000-3000 इतना तक ख़रीदना है, उससे आगे का पैसा तो नहीं देना पड़ेगा हमको इस मशीन खरीदने के बाद में, तो भी ज़रूर देख लें। साथ में भी देखें कि इसका ग्रिप कैसा है, यानी जब भी आप इसको चलाते हैं ऐसा पकड़ करके, तो देखें ग्रिप यानी पकड़ कैसी है। ऐसा नहीं कि इसका जो ये जो आपका क्लाई है ज़्यादा ऐसा मोड़ना पड़ता है या ज़्यादा ऐसा बेंड करना पड़ता है, वो भी चेक कर लेने। तो क्या होगा, 10 साल 15 साल 20 साल के बाद जब भी आप कारपेंटर का काम छोड़ेंगे, तो एक क्लाई में दर्द होना चालू हो जाएगी जॉइंट पे। तो कभी ध्यान दें कि यानी पकड़ में अच्छी हो, चलाने में कंफर्टेबल हो मशीन, हमेशा ये ध्यान देना चाहिए। कोई भी कंपनी हो, मैं कंपनी का नाम शो नहीं करता हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे अपने बजट के हिसाब से, उसका फीडबैक अच्छा हो, मार्केट में अच्छी पकड़ हो, उसको चल रही हो, इसका हमेशा गर्म नहीं हो, साथ साथ ये भी देखना है कि आपका पकड़ भी होना चाहिए, यानी चलाने के बिल्कुल कम्फर्टेबल होना चाहिए, तब भी आप वो मशीन खरीदें। लाइक ये भी जान लीजिए, इसको मैं साइड करता हूँ, मान लीजिए ये हमारा मशीन है ग्राइंडर मशीन, हमें इसको पकड़ने में बिल्कुल ईजी होना चाहिए, यानी कि एक हाथ इसको पकड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमको पकड़ने के लिए ये बहुत सारी मूर्ति है, इसको पकड़ने के लिए हमारा ये हाथ बिल्कुल काम न करे, ऐसा नहीं। और बिल्कुल ग्रिप अच्छा होना चाहिए इसका, कोई मशीन हैंडली होना चाहिए, चलाने में कंफर्टेबल हो, और इसका जो बैरिंग का साउंड है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी देख लें। ऐसा नहीं कि मशीन चला रहे हैं घर 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 की साउंड आती है, तो इसका बैरिंग अच्छा नहीं है, और आपका ध्यान भी बढ़ सकता है, थोड़ा माइंड डिस्टर्ब भी हो सकता है काम करने टाइम में, तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें, मशीन हैंडली हो, कंफर्टेबल हो, लाइट वेट हो, ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए। साथ में ये भी मशीन है, कटर मशीन है, तो एक कटर मशीन भी लाइट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आर्मेचर इसका बहुत भारी हो। और जब भी मशीन खरीदें तो ऐसा कर दें कि इसमें 5 इंची ब्लेड से लेकर 4 इंची तक का ब्लेड इसमें यूज कर सकते हैं, यानी 4 इंच भी कर लें, 5 इंच भी कर लें, ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 इंची का ब्लेड इसमें यूज होता है और 5 इंच जब टाइट करने जाएँ तो इसमें वो काम ही ना करें, तो ऐसा मशीन आप बिल्कुल ना खरीदें। आप मल्टीपर्पज़ सोच के ख़रीदें कि हमारा 4 इंची भी इसमें ब्लेड यूज हो जाए और 5 इंची का भी ब्लेड इसमें यूज हो जाए, तो इस तरह का ज़रूर ध्यान रखें। और जो मैंने मेन पॉइंट की बात कर रहा हूँ, वो इसका कंफर्टेबल ज़रूर देखना चाहिए, हमारा कितना कंफर्टेबल है, हमको काटने में कितनी सहूलियत मिल रही है, इसको चलाने में कितनी सहूलत मिल रही है, तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और साथ में कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसे लगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ में।